जरूरत नहीं है, बस ये है कि हम बेटियों बेटियां बहुत शक्तिशाली होती है, बस हमको याद दिलाना होता है कि आप में ये शक्ति है। जैसे कि बजरंग बली को याद दिलाया गया था ना कि आप पहाड़ उठा सकते हैं। और हम जो बेटियां होती हैं वो सरल स्वभाव की होती है, लेकिन अगर कोई विपदा आ जाती है तो दुर्गा से काली का रूप लेने में टाइम नहीं लगता है ना। इसीलिए आपसे यही बोला जा रहा है कि आपको डरना नहीं है, कोई भी सिचुएशन आती है। और मैं आपको कुछ ऐसी तकनीक और कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आप नॉर्मल लाइफ में, जैसे आपको बहुत ज्यादा कराटे भी सीखने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं सीख सकते, अगर आप सीखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से लड़कियों को कराटे और लड़कों को पराठे सीखना चाहिए। पराठा क्यों बनाना सीखना चाहिए लड़कों को, क्योंकि जब अभी कोरोना, सभी जानते हैं कोरोना आया था, तो जो बच्चे रायपुर शहर से बाहर गए थे, मैंने महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक जी बता रही थी एक कार्यक्रम में कि उनके पास बहुत ज्यादा फोन आ रहा था कि हमारे बेटे फंस गए हैं, 5 बच्चे हैं दिल्ली में फंसे हुए, उनको वापिस ला। तो किरणमयी नायक जी ने पूछा कि क्यों वापिस लाना, तो बोले कि क्योंकि कोरोना है तो बाई आ नहीं रही है और जितना हम जोमेटो ये सब था वो सब बंद था। और ये बात मतलब एक बदकिस्मती की बात है कि लड़कों को कुछ बनाना तो मैगी बनाता है, और मैगी कितना दिन खाएगा, 2 महीना 4 महीना खा के नहीं सकते, तो इसीलिए वो भूखे मर रहे थे, मतलब कुछ नहीं खा पा रहे थे, इसलिए उनको लाने के लिए महिला आयोग में आवेदन आया। तब मैडम ने ये बोला और मैं भी उसको फॉलो करती हूँ कि हमारा जो हमारी जो संस्कृति है उसमें लड़कियों को खाना बनाना जरूर सिखाते, सिखाया जाता है, युद्ध कला सिखाई जाती है पर लड़कियों को नहीं सिखाई जाती। पर अभी हम उस ट्रेंड से थोड़ा ऊपर आ गए, कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी बेटियां सीखे, कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को भी लड़कों को भी खाना बनाने आए, क्योंकि वो बाहर जाके रहते हैं, इसीलिए सबको सब चीज आना चाहिए, है ना, सबसे ज्यादा। लेकिन ट्रेंड अगर हम बात करें कि खाना कौन बनाती है तो क्या दिमाग में आता है, मम्मी। क्या महिलाएं भी बाहर किसी होटल में जाते हैं, ढाबा में जाते हैं, तो खाना बनाने वाले सिर्फ मम्मियां, ज्यादातर लड़कियां रहती है कि लड़के रहते हैं? बड़े बड़े होटलों में सिर्फ लड़के खाना बनाते हैं, है ना। और आजकल लड़कियां आप देख ही रहे हो कहां से कहां पहुंच गई, भारत देश को ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल 3 लड़कियों ने दिलाया, तो लड़कियां बहुत आगे। आप लोगों को मैं ये सब बात इसलिए बता रही हूँ कि आप अगर यहाँ पर हैं तो हो सकता है आप 4 साल बाद आप कुछ बड़े जगह पे हो, चाहे अगर आप खिलाड़ी हैं तो आप नेशनल इंटरनेशनल मेडलिस्ट हो, या फिर आप अच्छा पढ़ाई कर रही तो आप IAS ऑफिसर बने। तो हम हमारे अंदर वो चीजें हैं, बस आपको जगाना होता है। और जब हम जीते तो हमारे हमको कई बार बहुत सारी परेशानी आती है, जैसे मैं कॉलेज जाती हूँ तो रस्ते में बहुत सारे लड़के खड़े रहे, मेरे को हिट का कौन
ठीक है। मैं यहाँ से अपन आती थी जो दो हड्डियां हैं अपन बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं सोलर लैक्स। यहाँ पर आप अटैक कर सकते हैं पांच, ठीक है। और उसके बाद आता है बॉडी का दूसरा हिस्सा, बॉडी का यहाँ पर जान के नीचे का हिस्सा जिसको ग्रोइंग पार्ट है, ठीक है। वहां पर आप अटैक करते हैं, क्योंकि देखिए जब आपके साथ छेड़खानी हो रही है तो आपको ये नहीं सोचना है कि उसको पेन हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, आपको उसको दर्द ही देना है, ठीक है। कान पे आप अगर अटैक करेंगे ईयर प्रेशर से वो बहरा हो जाएगा। ये सारी टेक्निक मैं आपको करके दिखाऊंगी, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि तो पता तो उनको कहाँ मारना है। कभी भी अटैक करना है तो सामने वाले की वीक पॉइंट पे अटैक करना है। याद हो जाएगा, याद आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ, आप समझ पा रहे हैं? बहुत ज्यादा वीक पॉइंट है। अगर आपको 150-200 किलो का व्यक्ति भी पकड़ लिया ना सामने से आके और आपने यहाँ अटैक कर दिया, एक मिनट के अंदर वो नीचे हो गया, क्योंकि ये वीक पॉइंट है। आप बार बार ये बोल रहे हो आपको अटैक करना है सामने वाले की वीक पॉइंट पे, तब आप उनकी पकड़ से छूट पाएंगे। गंदी सी फीलिंग होती है जिसके साथ ये होता है। उसने मुझे आके शेयर किया, जब वो एक हफ्ते बाद अपने पापा
यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए
या से। दोनों हाथ खड़े हो।